वेलकम टू फॉक्सी, मैं हूं वरुण धवन, आपका स्टाइल गुरु। एंड डू यू हैव टू गो आउट टू अ सैलून एवरी टाइम यू नीड टू गेट योर बियर्ड ट्रिम? अरे मेरे होते हो आखिर ये करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, आई एम गोइंग टू टेल यू द इजीएस्ट वे टू ट्रिम योर बियर्ड एट होम। वेलकम टू DIY बियर्ड ट्रिमिंग। Before we go down to trimming, you need to make sure कि आपके beard के जितने बाल हैं, it has to be absolutely dry. And once you've made sure of that, you need to use a comb ताकि आपके जितने beard hair हैं, you can really comb them down. कोई भी बाल इधर उधर निकला हुआ नहीं होना चाहिए. The Big Boyar comb from the Man Company is my go-to product when it comes to combing my beard. क्योंकि इसको डिजाइन बड़े अच्छे तरीके से किया है. जब मैं अपने बियर्ड को कोम करता हूँ, मेरा कोई भी बाल इसमें फंसता नहीं है. गुड फॉर माई स्किन एंड यू नो आई काइंड ऑफ लाइक इट. सो आई रिकमेंड इफ यू हैव अ बिग बियर्ड एंड यू वांट टू कोम इट डाउन, यूज दिस वन. अब समय आ चुका है कानून को अपने हाथ में लेने का, ट्रिमर को अपने हाथ में लेने का. नाउ इन टुडेज एज एंड टाइम बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके ट्रिमर्स मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन मैं जिस ट्रिमर पे सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ, जो कितने सालों से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, इज द फिलिप्स ट्रिमर. इट हैज गॉट डिफरेंट सेटिंग्स, ये कॉर्डलेस है और मेरे हिसाब से लाइट वेट भी, और मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगता है. आई रिकमेंड इफ यू आर अ बिगिनर विद ट्रिमिंग, यू कैन ऑलवेज गो ब्लाइंडली फॉर फिलिप्स ट्रिमर. ट्रिमिंग के साथ कुछ मिस्टेक्स हैं जो जनरली लोग करते हैं, आई एम श्योर तुमने भी करी होगी. एक ही सेटिंग पे पूरे बियर्ड को ट्रिम करना, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक. अनलेस यू वॉन्ट अ क्लीन स्टबल, जिसे वो क्या कहते हैं, 5 PM इवनिंग स्टबल, अगर वैसा चाहिए तो बात अलग है. अदरवाइज इफ यू हैव टू हैव अ चिजल्ड फेस, आपको टॉप टू बॉटम अपने बियर्ड को ट्रिम करना है और अलग अलग सेटिंग्स के साथ उसे ट्रिम करना है. फॉर एग्जाम्पल ऑन द साइड्स आई विल यूज अ बिगर लेवल ऑफ ट्रिमिंग. नंबर 3 से मैं ट्रिम करता हूँ ताकि मेरे जो साइड्स के हेयर हैं वो कम ट्रिम हो और डेंसिटी बरकरार है. When I come to the center, I use a lower number. I can go as low as number 1 so that meri ye density reduce ho aur meri complete beard sides ke sath match hoke, it gives me a fuller stubble look. Gone are those days jab corporate life mein beard rakhna allowed nahi tha. Ab to now you know that it is, you can easily carry your beard anywhere. But it is very easy to mess up with your beard. The biggest benefit of having a beard is that you can change your look every second day. और ये उन लोगों के लिए भी ज़्यादा अच्छा है जिन लोगों के फेस पे थोड़ा सा ज़्यादा फैट है. अगर आपके भी डबल चिन है तो बियर्ड रखने का फायदा ये है कि आप उसे छुपा सकते हैं. Now I know a lot of people जो सिर्फ ट्रिमर से ही ट्रिम करते हैं, पर अगर आपको चाहिए absolutely neat and clean and sharp look, तो आप इस Adam's apple के नीचे razor का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Time to tell you a cheat code. अगर आपको अपनी बियर्ड को एकदम चिजल्ड लुक देना है तो उसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन को नीटली कट करना जरूरी है. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है, लेवल मैच होगा लेफ्ट का राइट के साथ कि नहीं. और वही करने के लिए यहाँ पर मेरा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट काम आता है, दैट इज माय कोम. द मैन कंपनी का जो बोयार को मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं उस कोम को इस तरीके से अपने चीक पे रखता हूँ और इस कोम के ऊपर जितने बाल हैं उसे ट्रिम कर देता हूँ. सिमिलरली आई कीप इट on the bottom of my beard, just above the Adam's apple, आम भाषा में टेडुआ बोलते हैं ना उसको, और उसके नीचे जितने भी बाल हैं मैं उसको भी ट्रिम कर देता हूँ. Now for even neater look, you can actually use a razor below this point or on your cheeks as well. All right, it's time to go now. No, not yet. रुको. अगर थोड़ा भी ट्रिमर के साथ साथ आपने रेजर को यूज करा है, एंड इवन फॉर दैट मैटर अगर ट्रिमर को भी इस्तेमाल करा है, देयर आर हाई चांसेस कि अगर ट्रिमर पे कुछ गंदगी थी वो आपके पोर्स में जा सकती है और आपकी स्किन पे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है. हाउ टू स्टॉप इट? नाउ वन वे इज टू यूज अ लिक्विड आफ्टर शेव, विच आई एम श्योर तुम ऑलरेडी यूज कर ही रहे हो, लेकिन मैं जिस पे आप अपग्रेड कर चुका हूँ इज द मैन कंपनीज एसेंशियल होहोबा एंड मिंट पोस्ट शेव लोशन. नाउ दैट्स अ लोशन. इसके दो फायदे हैं, एक तो ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह स्किन को मॉइस्चराइज भी कर रहा है, दूसरा इसका फायदा ये इसका मिंट का जो फ्रेग्रेंस है, इट कीप्स मी एक्टिव थ्रू आउट द डे. और अब बाथरूम से बाहर जाने से पहले मैं अपनी बियर्ड पे लगाने वाला हूँ बियर्डो का हेयर सेरम. नाउ दिस सेरम इज गोइंग टू कीप माय बियर्ड मॉइस्चराइज्ड थ्रू आउट द डे, प्लस इसकी वजह से जो मेरी स्किन के ऊपर भी नरिशमेंट जाता है, इट एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट आल्सो. सो दैट वाज माय DIY बियर्ड ट्रिमिंग. फॉर मोर वीडियोस मेक श्योर यू डाउनलोड द फॉक्सी ऐप ऑन योर फोन. स्टे फैब, स्टे फॉक्सी.